नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग व रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। वन रैंक वन पेंशन, भूतपूर्व सैनिकों के धरने के 1500 दिन पूरे, जंतर मंत्र से आया ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के जंतर मंत्र पर धरने के 1500 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी बीच दोस्तों क्या है जंतर मंत्र का अब तक का ताज़ा अपडेट, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 जुलाई 2019 को ये लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है। जंतर मंत्र पर धरने के 1500 दिन पूर्व सैनिकों की मांगों पर सरकार ने नहीं दिया ध्यान। तीनों सेनाओं से जुड़े पूर्व फौजियों का जंतर मंत्र पर वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर जारी धरना आज 1500 दिन में प्रवेश कर गया। दिल्ली, NCR, संगरूर, पंजाब, बिहार आदि के कस्बों और गांवों से आए तमाम पूर्व सैनिकों ने आक्रोशित लेकिन जोश भरे मन से केंद्र सरकार में आई नई सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के अध्यक्ष मेजर जनरल रिटायर सतवीर सिंह ने उमस भरी गर्मी के बीच बैठे पूर्व सैनिकों ने अनुशासित लहजे में कहा कि हम जंतर मंतर समेत पूरे देश में सैनिकों के सम्मान और अधिकार और प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2019 को नए रक्षा मंत्री से ORP पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उठाए गए मुद्दों को लेकर मुलाकात कर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज 23 जुलाई के बाद भी रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। आगामी रणनीति पर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद भावी कार्य योजना में गतिविधियों पर बातचीत कर मुहिम को और तेज किया जाएगा। जंतर मंत्र के इस धरने में लगातार शिरकत कर रहे तथा सेना में 2 बार वीर चक्र का सम्मान प्राप्त विंग कमांडर रिटायर विनोद नेब ने कहा कि देश के प्रगति और सुरक्षा के लिए हम सैनिक सदैव ही तत्पर रहते हैं। समझ से परे है कि पूर्व फौजियों की मांगों पर सरकार ऐसे क्यों कर रही है, हमारी लड़ाई हक और असूल की है, हमारी मांग पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तो दोस्तों आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भूतपूर्व सैनिक जो जंतर मंत्र पर बैठे हैं उनके लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। आज के इस ऐतिहासिक दिन के धरने में आर्मी, नेवी व एयरफोर्स के हर रैंक के पूर्व अधिकारी तथा सैनिक शामिल हुए। गौरतलब है कि पूर्व सैनिकों का यह धरना 15 जून 2015 को शुरू हुआ था। कई मौसम आए और कई गए, लेकिन गर्मी, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना विभिन्न आयु वर्ग के फौजी रोजाना दोपहर 1 से 3 बजे मिलते हैं और अपनी बात जंतर मंत्र पे रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल सतवीर सिंह जी ने साफ किया है कि 15 अगस्त के बाद वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर मुहिम और तेज की जाएगी। तो ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।